हेलो एवरीवन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डब्लिन इंक्लिस्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में सिंगल इंकलिस्ट के बारे में सीखा था और हमने बहुत अच्छे से रिव्यू किया था कि कैसे हम सिंगल इंकलिस को यूज़ कर सकते हैं उसके फिर एडवांटेजेस डिस एडवान्टज़ ऑपरेशन कैसे काम करती है सिंगल इंक्लिस्ट हमने हर एक चीज़ समझ लिया था इसके साथ साथ हमने एक थियरी सेशन भी किया था जहाँ पर हमने पूरा थीरी समझा था कि कैसे कैसे लिंक के टाइप्स होते हैं लिंकलिस्ट कैसे यूज़ किया जाता है लिस्ट क्यों एडवांटेज है एयर के बराबर और क्या क्या हमें समझना चाहिए लिस्ट को जानने से पहले हमने हर एक चीज़ समझ लिया था तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डब्ल्यू लिंक को तो कैसे हम काम करते कैसे हम ऑपरेशन को संभाल दें कैसे हम आगे जाके और सारे चीज़ें जो अपन नए सीखे थे उसको हम यहाँ पर सीखेंगे तो ये वीडियो में आपका पूरा रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मैं चाहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर कि आगे जाके आपको ऐसे बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट प्रीमियम मिले मैंने ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट इस पूरे प्ले के इसको कंप्लीट किया जहाँ पे हमने बेसिकली स्टार्ट किया था एक बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग से लेकर और अभी हम लोग स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट में अभी हम चल। आगे जाके आपको इसमें बहुत सारी वीडियोस मिलेगी जैसे कि आपको वोप्स का कंटेंट मिलेगा आपको साथ ही साथ ग्राफ प्री डी पी ऐसे बहुत सारे कंटेंट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अभी हम चलते हैं वीडियो तो पहले हम जानते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता क्या है ठीक है तो डब्ल्यू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आइटम्स मतलब काम क्या है लिस्ट एक ऐसे जहाँ पे आप कलेक्शन आप एक ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो ठीक है एक uh, तो उसका लिंक लिस्ट है तो डब्ल्यू का भी यही काम है जो लिण्ग 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 लिस्ट एक पार्ट है जहाँ पे अपन डेटा स्ट्रक्चर है जो अपन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं जिसमें अपन ऑर्गेनाइज करते डेटा एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स के साथ

सो so, इसमें एक नोट स्ट्रक्चर आपने को फॉलो करना होता है नोट स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पे आपको तीन कंपोनेंट दिया जाएगा एक होगा डेटा एक होगा पॉइंटर टू तो द प्रीवियस नोट एट पॉइंटर टू तो द ने नेक्स्ट नोट मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आप एक तो डेटा आप स्टोर करोगे और डेटा में क्या आएगा कि आप दो तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते एक डेटा जो तो क्या करेगा जो पॉइंट करेगा पिछले प्रीवियस नोट को और एक होगा जो नेक्स्ट पॉइंटर वो नोट करेगा मतलब ये करेगा पॉइंट करेगा तो ये एक रेफरेंसिंग होता है जहाँ पे आपको क्या मिलता है आप में इसको यूज कर सकते हो आपको अगर ट्रैवर्स करना होगा कि आपको अगर आगे आगे एलिमेंट्स में जाना होगा तो आप ये पाउंटर के थ्रू तो आप जा सकते हो जैसे कि आपको पता होगा कि प्रीवियस का एड्रेस क्या है तो इससे आपका आसानी होगी ट्रैवर्सिंग में अभी डब्ल्यू दब, दब, लिंक लिस्ट का क्या है ये आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर है इस तरीके से आप इसको न्यूचलाइज करते हो यहाँ पे एक पब्लिक होगा जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करेंगे और दूसरा और डब्ल्यू लिंक का एक पॉइंटर होगा जहाँ पे आप प्रिवियस को स्टोर कर प्रीवियस प्रीवियस जो है डेटा आप एक्सेस कर सकते हो ये डॉट इससे से और दूसरा है आप नेक्स्ट को भी एक्सेस कर सकते हो नेक्स्ट ऑपरेट कर सकते तो इस तरीके से हम लोग एक बेसिक क्रिएट कर सकते हैं कि क्या होगा डब्ल्यू डी पर नोट्स अभी क्रिएट कैसे करना है तो क्रिएट करने के लिए आपको पहली बात तो क्या होगा कि आपको एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगा उसमें आपको नोट ऐड करना है आपको वैल्यूज को पुश करना पड़ेगा मैनुअली तो उसके लिए क्या होगा कि आपको एक हेड क्या होता है जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है जो सबसे फर्स्ट नोट होता है और आपको पॉइंट करने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ इस तरीके से क्या होता है कि आप एक वर्ड को अपने वर आप एड कर सकते हो और आप एक एलिमेंट को नोट के साथ आप पॉइंट भी कर सकते हो अभी इसमें आपको दो ऑपरेशन मिलेगा ठीक है इंसर्शन क्या करेगा इंसर्ट करेगा एक नोट को एक बिगिनिंग में एक या तो एंड में या तो कोई भी पोजिशन में जहाँ आप चाहते हो उधर इसमें क्या होगा कि अगर आपको इंसर्ट करना होगा तो आपको एक न्यू नोट क्रिएट करना पड़ेगा फिर आपको क्या करना पड़ेगा उसको नोट को अपडेट करना पड़ेगा तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या करंट हेड के साथ कुछ है कि नहीं नोट अगर है तो आपको उसके आगे के नोट में डालना पड़ेगा मतलब इफ एक्स अदरवाइज आप क्या कर सकते हो आप ओल्ड जो हेड है ना उसमें आप और एक नोट को ऐड कर सकते हो और फिर आपको क्या करना है आपको अपडेट करना है लिस्ट के को नया नोड के साथ तो ये हो गया अपने बेसिकली इंसर्शन में डिलीशन में क्या है कि आप कोई भी नोड को रिमूव कर सकते हो या तो वो पहले होगा या तो वो एंड में होगा या बीच में होगा तो इससे क्या होगा कि आप पहले क्या करोगे इसमें आप बेसिकली एक टेम्प स्टोरेज आप बनाओगे जहाँ पर आपको जो एलिमेंट है उस तरह आप टेबल्स करोगे एक एक करोगे और जब आप उस वैल्यू पे पहुँच जाओगे तो आप क्या करोगे आप उसको डायरेक्टली उस टेम्प में स्टोर करोगे और टैंप में स्टोर करने के बाद आप जब टेम्प है वापस को तो डिलीट कर दो डायरेक्टली तो इससे क्या होगा कि वो जो एलि वो जो आ, अपना बनाया हुआ टेम्प है वो डिलीट हो जाएगा और जो एलिमेंट है उस लिंक लिस्ट में वो भी निकल जाएगा तो इसी को कहते हैं हम लोग डिलीशन ऑपरेशन अभी हमें ट्रेवल्स भी करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को अगर जाना है वहां तक मतलब तो जो अपने डिलीट करना है तो अपने को वहाँ तक ट्रेवलसिंग भी करना होगा तो ट्रेवल्सिंग क्या होता है कि हम एक एक एलिमेंट को मूव करेगा एक एक डेटा को अपन मूव करेंगे कहाँ तक

एक आपको लेफ्ट से भी मिल सकता है आपको राइट भी मिल सकता है तो ये एक फायदा है कि बाई डायरेक्शनल ड्राइवर्स है दूसरा है कि इसमें एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन मिलता है कि आप इजीली इंसर्ट भी कर सकते हो ईजिली रिमूव भी कर सकते हो ठीक है थर्ड है कि मेमोरी एफिशिएंट है कि मतलब एरेज से बेटर है यह डेफिनेटली हमने आप सीखा था कि एरे से बेटर है और लास्ट इज रिवर्सिंग वेरी ईजी मैं तो आप सिंपली रिवर्स कर सकते हो लिस्ट अब क्या है कि इसका

और लास्ट है कि तीसरा है कि अपने स्लोअर फॉरवर्ड ट्रैवर्सल मतलब ये स्लाइटली स्लोअर है कंपेयर टू सिंगली लिग्वेस्ट डब्ल्यू इंक्स स्लाइटली स्लोअर और लास्ट है कैन बी स्लोअ एट सम केसेस मतलब फॉर एग्जांपल अगर स्मॉल इट कहा तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है या तो स्लोअर तरीका हो सकता है तो आई थिंक सो आपको इतना समझ आएगा कि कैसे ने सिंगली जैसे अपन ने स्टडी किया अभी अभी आप इसको कोर्ट लिख के समझेंगे कि कैसे हम आगे इसको यूज कर सकते हैं अपनी कोड में सो so, अभी हम इससे कोड लिखेंगे हम लोग डब्ल्यू इंटरेस्ट का तो पहली बात तो कोड लिखने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि शायद कोड लिखते हुए आपका बहुत कुछ चीज़ें नहीं समझे तो मैं ट्राई करूँगा कि ना मैं एक एक ब्लॉक को एक्सप्लेन करूँ साहब क्योंकि तो अगर मैंने पूरा लिखा पूरा आपको मैंने पूरा एक्सप्लन गया तो आपको नहीं समझेगा शायद डिफिकल्टी होगी और दूसरी चीज़ है कि आप इससे पहले ना मैं कहूँगा कि आपको सिंगली इंट्रेस जाकर दिख लूँ क्योंकि सिंगली में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक एक पैरामीटर्स को शायद डब्ल्यू में आपको हर एक चीज़ बार बार ना सिखा पाओ पहले वो देखिए ना ताकि आपको ये थोड़ा आसानी लगी ठीक है अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले हमें क्या करना है हम लोग को एक टेम्पलेट क्रिएट करना है और हम लोग को ना यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है वो तो फंक्शन अपन जो स्ट्रक लिखेंगे तो नोट कैपिटल नोट और यहाँ पे हम ना ऐड करेंगे इन डेटा फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे हमने देखा था ये कि अपन पहले डीबीएस बी एस एक और एक अपन नेक्स्ट में ने डीबीएस ने। एक नेक्स्ट और आर आई नोट एन ठीक है और इसको आपने मैप करना है किसके साथ डेटा के वैल्यू के साथ और साथ ही साथ जो था। था और, था था और हम लोग इसको एक ब्रैकेट में तो ये हमने बेसिक सा दिख दिया स्ट्रक्चर बना दिया अपन ने अभी इसके बाद हम लोग ग्लास बनाएंगे जो होगा काउन लिस्ट। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नास एक्सेस मॉडल पाइल से और यहाँ पे आएगा नोन जो हेड और फिर हम लोग पब्लिक क्लास रिक गेट करेंगे जिसमें क्या आएगा एक डब्ल्यू पॉइंटर अपन लिखेंगे डब्ल्यू जिन लिखेंगे

स्टार्टिंग मतलब एक हेड करके डिफाइन किया है और अपन ने पब्लिक को ये दिया मतलब तो तो का जो वैल्यू है ने उसको बोला है कि तो आपको पहले मैप करना है ठीक है इतना अपन ने कर दिया अभी हम क्या करेंगे हम बोलेंगे इंसर्ट रन एंड वैल्यू अभी इसमें क्या आएगा इसमें आप पहले नोट लिखोगे और नोट आपको एक न्यू नोट क्रिएट करना है इसके बाद में लिखूंगा एक्स जो की वैल्यू है वो इक्वल पी टी आर है तब तक क्या करना है आपको आपको करना मतलब है कि अगर वो लिप्स लिस्ट, लिस्ट एम है तो हम एक नया नोट क्रिएट करें वो का उसके बाद हम क्या करेंगे हम लिखेंगे एल्स एल्स में क्या आएगा न्यू नोट और अपन एक वैल्यू मैप करेंगे जो का इसमें क्या होगा कि अपन जो नेक्स्ट नोट है नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें अपन नया नोट की वैल्यू स्टोर करेंगे करंट हेड की वैल्यू के साथ ठीक है और फिर हम क्या करते हैं हम लिखेंगे के भी करना है आपने तो उसमें आएगा न्यू रूड ठीक है और फिर फाइनली अपन लिखेंगे हेडिक वर्ल्ड टू न्यू तो so, हमने क्या किया हमने प्रीवियस पॉइंटर को अपडेट कर दिया है किससे करंट हेड से ताकि अपन क्या कर सकते हैं हम लोग एक नया नोड क्रिएट कर सकते हैं के सर तो ये अपन ने किया तो न्यू नोट ओके फिर तो अभी अपन लिखते हैं फंक्शन जिससे अपन रिलेट कर सकते यहाँ पे पैरामीटर आएगा एम टो बैन जी अब इसमें क्या आएगा मेल टाउन न्यू नोड करंटोर वो है और मैं बोलूंगा वायर जब तक करंट नोड इज नॉट इक्वल तो टू नी टी आर तब तक क्या करना है अपन चेक करेंगे कि गीता का जो वैल्यू है वो साथ में मैच हो जाएगा करंट नोट आपका तो डेटा है वो इक्वल टू वैल्यू के साथ मैच होता होगा तो हम कहेंगे आपके um, और एक आएगा इसमें फॉर वॉट फॉर प्रीवियस डेटा मैं लगता हूँ कि इस करंट के नोट का जो वैल्यू है वो प्रीवियस डेटा के साथ नॉट मैच हो रहा है किया तो मैं तो कहूँगा डायरेक्टली आप करंट नोट का जो प्रीवियस वैल्यू है और करंट वैल्यू है नेक्स्ट वैल्यू है करंट नोट की जो प्रीवियस वैल्यू है और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको आप करंट नोट से रिप्लेस करें करंट नोट का नेक्स्ट वैल्यू से रिप्लेस करें या तो आप क्या करना डायरेक्टली, इक्वल टू करंट नोट और अपन मैप करेंगे इसको किसके साथ नेक्स्ट के साथ ठीक है और एक चीज देखे अपन चेक करना है कि अगर समझो कि नेक्स्ट वैल्यू अगर नल भी गया नेक्स्ट तो क्या करना तो मैं इतना ठीक ये करंट नोट का जो नेक्स्ट वैल्यू है वो अगर नॉट एपल हो नल भी किया So let's go ahead and open what Current node. got next value. All the previous value Let's map, the map. Let's Current node. let next value. let बहुत सा एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स लगता होगा आपको बट आपको समझ में आना पड़ेगा मैं आपको समझा दूंगा ट्राई करेंगे समझाऊंगा कि ये कैसे काम कर और उसके बाद फिर डिलीट करूँगा डिलीट करेंट नोट मैं वाई बी को रिटर्न कर जो हमारा डायरेक्ट बुक उसके बाद वो हम रिटर्न करेंगे और फिर हम लोग बाद में करेंट नोट को आगे ट्रेवल्स करेंगे करंट नोट इक्वल टू करेंट नोट तो हम Next के तो अभी हम समझते हैं कि इसमें अपन ने क्या, तो क्या किया। किया? किया अपन अपन में क्या क्या तो हमने पहले ने हेड ऑफ़ से स्टार्ट करेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग प्रीवियस डेटा को जो है ना आपको तो अपडेट करते रहते हैं तो अपने वो प्रीवियस नोट को अपडेट करना नेक्स तो नेक्स, है नेक्स्ट नोट के साथ आप द हेड टू द नेक्स्ट मतलब अगर अपन डिलीट करेंगे एक हेड को तो अपने को अगले नोट में इसको ला मतलब नेक्स्ट नोट में अपने को पॉइंट लगाओ और फिर अपन क्या करेंगे अपडेट करेंगे नोट मतलब इससे अपन ने नोट को अपडेट कर दिया और फिर अपन ने क्या किया जो करेंट नोट है अपन इसको डिलीट कर दिया इस ऑपरेशन uh, में और फिर अपन ने जो वैल्यू इसको रिटर्न कर दिया और अपन ने क्या कहा कि रिटर्न तो होने के बाद जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट नोट में चले गए ठीक है तो यही किया अपन ने इसमें और उसके बाद हम क्या करेंगे अभी हम डिस्प्ले पे हम लोग को डिस्प्ले पे आना तो मैं कहता हूँ बॉय डिस्प्ले उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग नोड स्टार नोड स्टार करेंट नोड इक्वल टू हेड आप बोलेंगे वाइल्ड वायर जब तक करंट नोड नल पी के आर सेम नाउ तब तक हम क्या करेंगे हम सी आउट करेंगे जब करंट की करेंट नोड की वैल्यू डेटा के साथ मैच करेंगे डेटा के साथ मैच करेंगे और साथ ही साथ हम लोग उसको ठीक है आप चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो आपके ऊपर ठीक है आपके अपन करेंगे करंट नोट इक्वल टू करंट नोट मैप कर नेक्स्ट पे सर ठीक है और उसके बाद लास्ट क्या आएगा अपना लास्ट अपॉइंट एंड लाइन कर दे अपना हो गया है मेन जो पोल करा वो अभी अपने इसमें क्या किया हमने करंट नोट को किया अपन ने हेड से स्टार्ट किया और आपने कहा कि जब तक वो करंट नोट की जो वैल्यू है नाइट से मैच ना हो तब तक आप क्या करो तो उसको डेटा परसेंट ऐड कर दिया जाओ और इसके बीच में आप स्पेस देते रहो स्पेस मतलब है कि ये ऑप्शन ठीक है आप चाहिए तो उसको विदाउट स्पेस भी दे सकते हो आपके ऊपर हो तो मैं इसको विदाउट स्पेस दे दूँगा अब भी आप क्या करेंगे करंट नोट को अपन क्या करेंगे ये करेंगे क्या बोलते हैं अपडेट करेंगे किससे नेक्स्ट के साथ अपन इसको प्रिंट करेंगे ठीक है अभी अपना मेन फंक्शन आएगा मेन फंक्शन में आप क्या करेंगे एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे तो मैं लिखता हूँ डब्ल्यू लिंक लिस्ट माई लिस्ट माय लिस्ट अभी मेरे को इंसर्ट करना है तो मैं लिखूंगा माय लिस्ट डॉट अ फ्रेंड अच्छा इसमें फ्रेंड नहीं इसमें माय फ्रेंड है ना अच्छा वो सिंगल इंटरेस्ट ना फ्रेंड विट इसी काम करता हूँ फोर थ्री टूट फोर एट टू ले ठीक है इतना हो गया अभी हम क्या करते हैं हम बोलते हैं जी आओ और uh, डब्ल्यू नई फ्रेस डब्ल्यू नई फ्रेस अब इसमें आएगा माइलेस और मैं डिस्प्ले करूंगा डॉट यही डॉट डिस्प्ले फिर तो से डिस्प्ले हो जाएगा हमारा और वार अभी हम क्या करेंगे हम लोग माइलेज डॉटी में ये अपन ठीक है अभी हम क्या करेंगे हम लोग डिल पर काम करेंगे तो mylist डॉट इन डिटेट लोड डिलीट करेंगे और हम लोग बाद में मॉडलफाइड किया था अपने वो भी अपन वापस तो प्रिंट पे डब्ल्यू डी इन्वेस्ट डबल वेस्ट आफ्टन ई माइडिस डॉट यहाँ से बाप करता हूँ माइडिस डॉट इसने ने ठीक है तो हमने पूरा ऑपरेशन से परफॉर्म किया है अभी हम चेक करते हैं कि कोड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं

अच्छा ना आप एक गिफ्ट का डाल दीजिए देखते दे दे हैं हमें क्या है इसमें प्रॉब्लम मैं डब्ल्यू नेम डिस्प्ले ने पर इंस्टलाइज किया था मैं साथ ही साथ है एक हैडिक इक्वल टू नल पीटीआर हमने किया था हेड इक्वल टू न्यू नोड एज ओके यहाँ पे एक सेमी पाल मशीन था वी किया क्लियर हो चुका है ठीक है अभी हम देखते हैं तो वो डब्ल्यू एन एन की लिस्ट हमारा रहता है वन टू थ्री फोर और डब्ल्यू एन एन की लिस्ट आफ ए रिलेशन इज वन थ्री फोर तो मतलब हमने टू फोर रिलेट किया है ठीक है आप चाहते हो तो यहाँ पे वैसे भी ये कर सकते हो हमने जो लास्ट टाइम किया था कि हमने एक एरो बनाया था ठीक है तो ये भी अच्छा लगेगा हम ये देखते हैं देखा तो ये है तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो आसान है बहुत आई थिंक सो आपको समझ आ चुका है कि कैसे हम डब्ल्यू लिंक का कोड लिखते हैं आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करना क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है मुझे पता है आपको समझने में कभी दिक्कत आई होगी बट डब्ल्यू जो लिंक लिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत जगह काम आता है तो आपको एटलीस्ट वो फंक्शन के बारे में बताना चाहिए इंग्लिशन कैसे ऑपरेशन है, करते हैं अपन कैसे इंस्ट्रेशन करते हैं फिर कैसे हम इसको क्रिएट uh, करते हैं तो आपको ये सब तो आना चाहिए अगर तो ये आ गया तो आपको आसानी होगी एटलीस्ट समझने में कि कैसे इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं कोचिज ठीक है Up, तो आई थिंक सबको वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग